एक सवाल जो बार बार उठाया जाता है, हाउ डू यू इंक्रीज सेल्स एक्सपोनेंशियली? तो एक बोलता है ना, एक्सपोनेंशियल सेल्स कैसे किया जाए और एंड मैच द प्रोडक्शन कैपेसिटी विथ करंट कैपिटल। तो एक है प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और कैपेसिटी 100 का है, आज अपना सेल 30 का हो रहा है, तो ये पूरा कैपेसिटी यूटिलाइज होना चाहिए और करंट कैपिटल से ही काम करना है। देखिए, हर जहां पर सेल्स का बंदा बेचने जा रहा है वहां पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल, हमारा आदमी उसको एक समझो एक 40,000 का चीज़ बेचने जा रहा है, उसी कस्टमर के उधर 1,00,000 का और अपॉर्चुनिटी है, 4,00,000 का अपॉर्चुनिटी है, 10,00,000 का अपॉर्चुनिटी है, 20,00,000 का अपॉर्चुनिटी है, और 1,00,00,000 तक का अपॉर्चुनिटी है, और 3,00,00,000 तक का अपॉर्चुनिटी। तो कस्टमर जो है उसके पास हम लोग नए नए चीज़ें दे सकते हैं, कंपनी के पास प्रोडक्ट्स होता है, लेकिन सेल्स का जो बंदा है वो वही बेच रहा है जो उसको आनंद आ रहा है, या उसको आसान है बेचने को, या उसको ज़्यादा मगजमारी नहीं है, या उसको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना। तो देयरफॉर सेल्स का लोगों का ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। समझो हमारे कंपनी में वो 40,000 रुपये का टाइगर बुल के प्रोग्राम है जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का वो बेच रहा है। अब वही सेल्समैन आराम से अपना 4,00,000 रुपये का मास्टरी इन एंटरप्रेन्योर गुरुकुल बेच सकता है। वही बंदे को अगर अपन ने बराबर रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन प्रोसेस, वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस बता दिया, तो प्रोजेक्ट भी बेच सकता है, जहाँ पर प्रपोजल बनाना, यू नो, और प्रपोजल बना के माल बेचना। तो एक हमारा सेल्समैन बिना प्रपोजल बनाए माल बेचता है, इन्हें टाइगर या गुरुकुल बेचता है, और एक प्रपोजल वगैरह बना के वो 50,00,000 का, 1,00,00,000 का, 3,00,00,000 का माल भी बेचा जा सकता है। तो कंपनी के पास प्रोडक्ट्स है और कंपनी के पास सेल्समैन है, तो ये सेल्समैन का लीनियर ग्रोथ, यानी कि वो उसको अगला लेवल का प्रोडक्ट देके कस्टमर को बेचे, इससे आपका कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन हो सकता है, फैक्ट्री का पूरा यूटिलाइजेशन हो सकता है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नया बेच के। दूसरा, अपने सेल्स के बंदों के KRA के अंदर ये सेट करना पड़ेगा कि हर महीने में उसे 5 नए क्लाइंट्स लाने, अपार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स उसे 5 नए क्लाइंट्स लाने। तो अगर आपके पास फ्लीट ऑफ 20 सेल्स के बंदे है, या 10 है, या 5 है, या 500 है, तो उनको नया कस्टमर्स ढूंढने के लिए मजबूर करना है, उन्हें डायरेक्शन देना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उससे क्या फ़ायदा होगा ये आपको समझाना है। तो मैं एक सेल्समैन था जो 40,000 का माल बेच रहा था, लेकिन हमारी कंपनी में 4,00,000 का भी है, 1,00,00,000 का माल है, तो कंपनी ने मेरे को 4,00,000 का और 1,00,00,000 का माल बेचने को सिखाया। उसके बाद मेरे को कंपनी ने बोला कि नए कस्टमर्स को भी आपको लेके आना है, न्यू कस्टमर जो कॉम्पिटिटर का माल वापर रहा है लेकिन अपना माल नहीं वापर रहा है। तो अपने को हर सेल्समैन के सर पर एक टारगेट डालना चाहिए कि तेरे मार्केट का ये जो 5 आदमी जो अपने से माल नहीं ले रहा है, 50 जन नहीं ले रहे, लेकिन अपने को ये साल में ये 5 कस्टमर्स को तोड़ने हैं। तो इस तरह से एक अभियान चलाया जा सकता है उनका डेवलपमेंट के ऊपर। तो यू नो, सेल्स का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वहां पर होता है। तीसरा जो है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल। अपना जो सेल्स का बंदा है, मैं मैं देख रहा हूं कि सेल्स का बंदा है वो 10 जन के पास जा रहा है, फिर वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई 20 के पास जा रहा है, फिर वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है, तो ये सेलिंग स्किल्स का प्रॉब्लम है। उसको सेलिंग स्किल्स, यानी स्पैंको सेलिंग स्किल्स, या स्पिन सेलिंग स्किल्स, या सेल्स की जो जो कलाकारियां हैं वो उसे आती नहीं। तो अगर हमने उसका सेलिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया, यानी कैसा सस्पेक्टिंग करने का, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करने का, कस्टमर के पास जाने के बाद ओपनिंग कैसे करने का, प्रोबिंग कैसे करने का, सपोर्टिंग कैसे करने का, मोटिवेटिंग कैसे करने का, क्लोजिंग कैसे करने का, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करने का, इनडिफरेंस को कैसे हैंडल करने का, स्केप्टिसिज्म को कैसे हैंडल करने का, स्टॉलिंग को कैसे हैंडल करने का, ये सभी चीज़ें अगर हमने उसको सिखा दिया तो भी उसका प्रोडक्टिविटी का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स हो सकता है।
और अगर आप बड़े क्लाइंट्स को बेच रहे हो तो उसको की अकाउंट्स मैनेजमेंट बड़े कंपनियों में कैसे जाके बेचने का ये कलाकारी भी अगर आपने सिखाया तो सेल्स का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने की संभावना है। आपको नया फैक्ट्री में कैपेसिटी बिल्ड करने की, जो कैपेसिटी है वो फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा और पैसे अगर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो आप और भी नया कैपिटल, आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं नया नया प्रोडक्ट्स में, नया सर्विस में, नया फैक्ट्री में और न्यू चीज़ों के ऊपर। तो हाउ डू यू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली एंड मैच प्रोडक्शन कैपेसिटी विद करंट कैपिटल, ये एक तरीका है। दूसरा एक और बात है कंटिन्यूस अप्रिसिएशन ऑफ द सेल्स पीपल। जैसे आदमी बेचता है, व्हाट्सएप में मैसेज चला गया, ग्रुप में मैसेज चला गया, फोटो लगवा दिया, ट्रॉफी दे दिया, क्वार्टरली ट्रॉफी, नंबर वन सेल्समैन अवार्ड, नंबर टू सेल्समैन अवार्ड, मोस्ट प्रोडक्टिव सेल्समैन अवार्ड, यू नो द बेस्ट कलेक्शन सेल्समैन अवार्ड। तो एक और चीज़ जो है, बहुत सारे लोगों का कलेक्शन में टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन कलेक्शन जो है वो भी एक स्किल है, वो भी एक साइंस है। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कलेक्टिंग मनी भी अगर आपने सिखा दिया, मेरा एक सीडी है जिसका नाम है वसूली, अगर उसने वो देख लिया तो कलेक्शन में जो टाइम जा रहा है वो भी सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, यू नो। तो आज की तारीख में वो 10 जन के पास जाके एक को बेच रहा है, अगर आपने उसका सेलिंग स्किल्स और बाकी कैपेबिलिटी को बिल्ड किया तो 7 के पास जाके एक को बेचेगा, 6 के पास जाके एक को बेचेगा, 5 के पास जाके एक को बेचेगा, 3 के पास जाके एक को बेचेगा। यहाँ पर उसको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा कंटिन्यूसली अपग्रेड करने का। फिर कंपनी के अंदर रीडिंग का एक कल्चर, सेल्स के किताबों की रीडिंग के कल्चर, सेल्स के महागुरु लोग हैं जिग जिगलर, ब्रायन ट्रेसी, जैक डेली, अल्फ्रेड टैग, जॉर्ज टैग, नील रैकम, बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने सेल्स के ऊपर किताबें लिखी है। अपने सेल्स के बंदों को ये सेल्स की किताबें पढ़ने के लिए मजबूर करना, मेरे सेल्स के ऊपर बहुत सारे सीडीज हैं जैसे योर प्राइस इज राइट, सेल्स मल्टीप्लायर, की अकाउंट्स मैनेजमेंट, मिस्टेक्स एंटरप्रेन्योर्स डू इन सेल्स, ये सभी चीज़ें का कंटिन्यूस लगातार डेवलपमेंट वर्क अगर हमारे एग्जिस्टिंग सेल्स के बंदों पर किया गया तो निश्चित रूप में उसका प्रोडक्टिविटी, उसका स्पीड, उसका कलेक्शन सब कुछ बढ़ेगा और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को फुल्ली हम यूटिलाइज कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।